यूपी की सत्ता बदलते ही प्रशासन भी हरकत में आ गया है। आज डीएम बिजनौर ने ठीक 10:30 बजे सिंचाई विभाग के दफ्तरों में छापेमारी करते नजर आए। अधिकारी और कर्मचारियों के वेतन काटने के लिए निर्देश आए। डीएम जगतराज ने ऑफिसों में गंदगी देख नाराजगी जताई और सफाई व्यवस्था रखने के लिए निर्देश दिया और कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप कार्य करे जाएंगे। डीएम साहब, जो आज निरीक्षण किया गया है, कई विभागों को टीम बनाई गई है, क्या इसमें पाया गया? देखिए, जो आज का निरीक्षण किया गया है उसका उद्देश्य है कि दफ्तरों में जो लोग समय से पहुंचे, दफ्तर में अनुशासन रहे और इसके साथ ही कार्यालयों में जो है सफाई व्यवस्था होनी चाहिए, उसके मद्देनजर जो है आज हमने निरीक्षण करवाया। तो 7 कार्यालयों को तो मैंने खुद निरीक्षण किया है, ये 7 कार्यालय जो है सिंचाई विभाग के हैं। इसके अलावा हमने 14 टीम और बनाई हुई हैं, जिसमें 8 टीम तो जिला मुख्यालय पे हैं और कुछ टीमें जो हैं तहसीलों में हैं। तो इस तरह से हमने निरीक्षण कराया है, तो अभी उसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट नहीं आ पाई है, लेकिन जो मैंने निरीक्षण किया है तो मुझे 2 एक्शन मिले हैं और 4 SDO एक्शन मिले हैं। इसके अलावा 14 कर्मचारी एक्शन मिले हैं। तो जो भी कर्मचारी एक्शन मिले हैं इनका एक एक दिन का वेतन काटा जाएगा और इसके साथ ही जो है पुनः निरीक्षण कराया जाएगा और अगर दोबारा फिर ये लोग एक्शन मिलते हैं तो तदनुसार जो विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सभी विभागों के अधिकारियों को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि लोग समय से दफ्तर में पहुँचें, वहाँ पर कार्यालय की सफाई कराएँ, दफ्तर में डिसिप्लिन होना चाहिए। इसके अलावा जो भी फाइलों की जो वर्किंग है वो फास्ट होनी चाहिए, फाइलों का मूवमेंट अच्छा होना चाहिए, कोई फाइल किसी के अनावश्यक रूप से नहीं रुकनी चाहिए। और इन सब के निरीक्षण के साथ साथ मेरे द्वारा जो है अस्पतालों का भी निरीक्षण आगे करवाया जाएगा, सरकारी परियोजनाओं का भी कराया जाएगा। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि एक पारदर्शी प्रशासन होना चाहिए और एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, गुड गवर्नेंस होना चाहिए, तो पूरी कोशिश की जाए कि जनपद व्यवस्था ये बिजनौर में जो है ये व्यवस्था लागू रह सके और जनपद बिजनौर में लोग रह सके।